बजड़ी को पहले उबालेंगे, एक दो उबाले के बाद फिर दोबारा से इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बजड़ी मैंने बनी बनाई ख़रीदी थी मीट शॉप से। वैसे इसको जो एक क्लीनिंग का प्रोसेस है उसमें भी वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो मैंने रेडीमेड ही मीन्स कि ऑलरेडी जो क्लीन थी मैंने वही ख़रीदी मीट शॉप से। तो अभी इसको पहले मैं उबालूँगी। उबालना भी इसको ज़्यादा नहीं है, जस्ट फॉर क्लीनिंग के, इसकी सफाई हो जाए। इसको सिर्फ 2 से 3 उबाल आने के बाद इसको बर्तन से निकाल के ठंडा होने रख देंगे और उसके बाद फिर बाकी इसका प्रोसेस होगा। अभी उजड़ी को बर्तन में डाल दिए, थोड़ा सा ही पानी चाहिए क्योंकि सिर्फ इसको उबालना है सफाई के मकसद के लिए, कि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाए। इसको 5 मिनट उबाल लिया था और अभी जो सामान इसमें जाएगा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, दरमियाने से भी छोटा थोड़ा सा प्याज है, और एक लहसुन की गड्डी है जो पूरी इसमें जाएगी, और थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी, और जो मसाले इसमें जाएंगे ये नमक, सुरख मिर्च हसबे ज़रूरत है, और धनिया पाउडर जो है ना ये तकरीबन लेवल टीस्पून है, और हल्दी 1/4 टीस्पून है। बाकी यहाँ पे कसूरी मेथी और गरम मसाला 1/2 टीस्पून पड़ा हुआ, ये आखिर में जाएगा। और अभी इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया जाएगा जिसमें ये इसको गलाया रहेगा। ये थोड़ी सख्त होती है और टाइम लेती है, तो पहले इसको गला लेंगे उसके बाद इसको भुनेंगे। प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए इसको रख छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद चेक करने के बाद अगर गलेगी नहीं, अगर इसको अभी मज़ीद टाइम की ज़रूरत होगी गलने के लिए, तो 1/2 गिलास पानी मज़ीद शामिल करके तो दोबारा से इसको प्रेशर कुकर में मज़ीद 15 मिनट के लिए हम गला लेंगे। 20 मिनट रखने के बाद मैंने चेक किया था तो थोड़ा कच्चापन था इसमें, तो 1/4 गिलास मैंने दोबारा से इसमें पानी शामिल करके तो 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको गला लिया। तो अभी ये गल चुकी है और पानी बहुत थोड़ा सा रह चुका है, तो अभी इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ऑयल इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून। और अभी इसकी भुनाई होगी। प्याज और लहसुन जो है बिल्कुल घुल जाते हैं, तकरीबन 1/2 घंटा इसको पकाया, तो अभी इसको दरमियानी आंच पे भून लेंगे। हल्की आंच पे इसको भूनना है और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो मज़ीद थोड़ा सा इसको टाइम देंगे। तेल नज़र आना शुरू हो गया और जो एक खुशबू है वो भी आ रही है इसकी भुनाई के बाद की, तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 घूंट होगा, यानी 1/8 कप पानी शामिल किया मैंने इसमें। अच्छा, इसमें पालक भी कुछ लोग ऐड करते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप चाहें तो उबली हुई पालक को इस स्टेज में शामिल कर सकते हैं, और फिर मज़ीद उसको पकाएंगे जब तक के पालक पूरी तरह से इसके साथ मिक्स होकर पक ना जाए। अभी इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला शामिल कर देंगे।
फ्राई किया और जो ये तैयार है, अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार ओजड़ी पकती है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।